13 अक्टूबर 2021 को मैं एक वीडियो डालता हूँ। सुबह 6:30 में मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। नाइट 11:34 में मेरा वीडियो रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो मैं देखता हूँ तो कुछ उसमें स्ट्राइक यानी स्ट्राइक लग जाता है, तो उसमें कुछ नोटिफिकेशन हमें सेंड किया जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, हम समझते हैं कि गलतियाँ होती रहती है इसलिए हमने आपका खाता प्रबंधित नहीं किया है। यानी हमसे वो गलती साबित कर दी जाती है, यानी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो गलत साबित कर दिया जाता है। और इसमें हमें ये भी बताया जाता है कि हम समझते हैं कि गलतियां होती रहती है इसलिए हमने अपने आपके खाते को, मैं यानी मेरे YouTube की जो है YouTube का अकाउंट है उसे प्रबंधित नहीं किया YouTube ने। तो यानी मैंने उसका गाइडलाइन को कम्युनिटी गाइड जो होती है कम्युनिटी गाइडलाइन उसका पालन नहीं किया। उसमें एक और नोटिफिकेशन दिया गया रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि पिछले वर्ष आपकी कुछ सामग्री हमारे सामुदायिक मानकों का पालन नहीं करती थी। यानी इससे साबित तो और कर दिया जाता है कि जो मैंने कंटेंट बनाया था वो बिल्कुल फेक यानी बिल्कुल गलत था। यानी हम YouTube की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया है। तो ये बात हमारे सामने पेश आता है 6:30 में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, 11:34 में मेरा वीडियो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हाँ, मैंने ये बहुत पहले वीडियो बनाया था यानी 13 अक्टूबर 2021। चलिए ज्यादा बकचोदी नहीं करते, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीबी व्हाट्सएप का। मैंने वीडियो 13 अक्टूबर 2021 को भी सेंड किया था। यही बात मैंने बताया था कि कॉन्टेक्ट चोरी हो सकता है आपका यानी डाटा चोरी भी हो सकता है, ये यूज मत कीजिए। तो आज साबित भी हो गया कि जीबी व्हाट्सएप ने जो जितने उसके यूजर थे सारे के सारे डाटा वीडियो फोटो कॉन्टेक्ट ईमेल यानी डाटा है उनका सारी के सारी चोरी करके इंडिया के बाहर भेज दिया है। यानी इंडिया का एंट्री में रखा ही नहीं है, इंडिया का एंट्री से बाहर भेज दिया है। बात तो ये सेम हुआ कि भेज दिया है यानी बेच दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जीबी व्हाट्सएप जो यूज कर रहे थे, जैसे आपने पर्सनल कोई काम किया है, जैसे कि मैंने किसी को फोटो सेंड किया है जो पर्सनल है मेरा, अब आप बाकी समझदार हो। जैसे पर्सनल हमारी बहुत सी ऐसी सिचुएशन आते हैं जिसमें हम पर्सनल अपना डाटा शेयर करते हैं दूसरे किसी को, अपने व्हाट्सएप से सेंड कर देते हैं। सेंड करने का मतलब ये होता है कि आपने सेंड कर दिया तो उसके बाद ऐसे भी मतलब वो चोरी हो जाता है तो आपको कुछ गलत फील होता है या आपको मतलब उससे ठगा जा सकता है। जैसे मैंने अपने ATM का कोई जरूरत खास जरूरत है, जैसे मैंने घर पर रख दिया, ये अगर ATM हो गया या खाता संबंधित कोई जानकारी हो गया जो मैंने अपने व्हाट्सएप पर मंगाना चाहता हूँ, तो अगला बंदा जीबी व्हाट्सएप यूज करता है जो मुझे सेंड करता है, अगर वो समझिए कि जो डाटा है वो अगर शेयर कर दिया गया तो यानी इसमें मेरा घाटा है, यानी मेरा पैसा लूट लिया जाएगा या काट लिया जाएगा, जो भी हम कहें सेम है। जीबी व्हाट्सएप के द्वारा ये मतलब ये साबित हो गया है कि जीबी व्हाट्सएप ने सारा का सारा हमारा चीज चोरी कर लिया है। तो हम इसे बचे यानी बच्चा कैसे जा सकता है, अब तो जो सो हुआ। अब इसे बचने के लिए सबसे पहले हमें क्लियर कांच नहीं करना है, हमें अबाउट ऐप में जाएंगे। अबाउट ऐप में जाने के बाद हम क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे, यानी स्टोरेज में जाने के बाद क्लियर डाटा करेंगे। क्लियर डाटा कर देने के बाद हम इसे फिर से जब क्लियर डाटा कर देंगे, पहले तो हम देखेंगे कि बैकअप ना रखें। अब जीबी व्हाट्सएप में जाके यानी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद बैकअप का हमें दे दिया जाता है, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है जिससे फीचर उसमें अपना ईमेल आईडी अगर वगैरह हो तो उसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम क्लियर डाटा करके अनइंस्टॉल मार देंगे, यानी अनइंस्टॉल कर देने के बाद शायद ऐसा हो कि हमारा फिर से वो ट्रैक ना कर पाए। वैसे हमें जो भुगतना था वो भुगत लिया, यानी जीबी व्हाट्सएप वालों ने जो यूजर थे उनके वो तो ठगना था वो ठग लिया गया, वो बेच दिया गया। कैसे कई सारे ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं हमारे जो हमारे पास हमारे नंबर पे सेंड किए जाते हैं, तो ऐसे ही सेंड किए जाते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं जो मतलब वो किसी और को बेच देता है, थर्ड पार्टी को हमारा नंबर बेच देता है। बेच देने के बाद वही हमें कॉल करते हैं, हमें कॉल करके परेशान करते हैं या ठग लेते हैं। तो थर्ड पार्टी, मेरे कहने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन हो तो पहले उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर लें, यानी वेरीफाई है कि नहीं है, उसे टेस्ट यानी चेक कर लें। चेक करने का बहुत तरीका है जो आप मेरे अलग सारी वीडियो में भी देख सकते हैं, जिसे हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये ऐप वेरीफाई है कि नहीं है, ये लीगल है कि इलीगल है। यानी कहने का मतलब ये लीगल ही यूज करें, इलीगल ना यूज करें। जीबी व्हाट्सएप भी कुछ दिन ऐसे लोगों को लगा था कि हाँ ये सही है, उसमें बहुत सारे ऐसे एडवांस फीचर दिए गए थे, जैसे कि हम कोई ऑनलाइन है तो उसमें ब्लूटूथ आ जाया करता था, अगर वो बंद भी कर देता है जीबी व्हाट्सएप से तो उसका ऑनलाइन शो भी देख लिया करते थे कि हाँ ऑनलाइन है। ऐसे बहुत सारे फीचर थे, कोई किसी का मानना था कि हाँ जीबी व्हाट्सएप से हम किसी बंदे को जैसे व्हाट्सएप से ब्लॉक भी कर देता है तो अनब्लॉक भी खुद कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर थे। मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियो में बताया गया था, वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। तो
तो मेरा कहना है ये फ्रॉड था, लूट लिया हमें, जो ऑफिशियली मैंने स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूँ ये इस पे देख सकते हैं, जिसमें साबित कर दिया गया है कि हाँ हमारा डाटा चोरी हो गया है।